गाइस फाइनली वेट ख़त्म हुआ और ये रही फुल बाइक रैप होते हुए, तो स्टिल स्टे ट्यून्ड टू सी दी कंप्लीट वीडियो ऑफ रैपिंग। तो ये रही बाइक फुल ब्लैक होते हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और आप भी होंगे एक्साइटेड। जो मैंने देखा था कमेंट में, लोग पूछ रहे थे, सब्सक्राइबर्स पूछ रहे थे कब आएगी, तो ये रही आपके लिए वीडियो रेडी हो रहा है, मतलब बाइक रेडी हो रही है फुल ब्लैक में और इसका लुक जो आएगा ना। So, hey guys, how are you all? I am back to my channel of AKV Backpack. Hope you all are doing great. So, आज का vlog क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो आपको thumbnail देख के कुछ idea हो चुका होगा। But फिलहाल उससे पहले मेरे को पता है last video में जो हुआ, मतलब मेरी जो half wrapping हुई थी bike की, कुछ issue के कारण वो नहीं हो पाई अभी तक। और actually जो shopkeeper uncle थे उनको fever आ गया था, he was not keeping well. सो उन्होंने टाइम दिया, तब उसके बीच के गैप में मेरे को एक अल्सर हो गया जिसके कारण मैं नहीं जा पाया। बहुत पेनफुल था और मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था। लेकिन क्या हुआ, मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि डोमिनो 250 में कि उसका जो लॉकिंग सिस्टम है, की जहाँ से हम लोग इग्निशन ऑन करते हैं ऑन ऑफ करते हैं, वो वाइब्रेशन के कारण लूज़ हो जाता है। सो ये है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, ये हमारी फॉल्ट कुछ नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। तो हुआ क्या, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि वो पूरा की सिस्टम लूज़ हो चुका है। तो मैंने शोरूम में कॉल किया, मैंने ये अपना बात बताया ऐसा कुछ हुआ है। पहले वो बोले कि कोई आपका ट्राई किया होगा ब्रेक करने का, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं था, कोई ब्रेक कर सकता है मेरे पार्किंग एरिया में, क्योंकि जहाँ मेरी बाइक पार्क होती है बहुत ही सिक्योर प्लेस है। तो तभी मेरे को डाउट हुआ, तभी मैंने बोला ठीक है, फिर मैं जाके शोरूम में एक बार टाइट कराया। तो फिर से वो प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ, फिर कुछ किलोमीटर के बाद चलने के बाद फिर से वो प्रॉब्लम हुआ और फिर से वो लॉक सिस्टम लूज़ हो गया, वाइब्रेट होने लग गया। मतलब वो अपने स्क्रूज से, मतलब वाइब्रेशन जब होता है वो स्क्रू धीरे धीरे लूज़ होने लगता है, तो उसे एक लॉक करना पड़ता है। कुछ गम आता है मालूम है, कुछ गम से वो लॉक होता है अंदर। वो पता नहीं, जो भी अभी जा रहा हूँ, अभी निकल रहा हूँ मैं शोरूम जा रहा हूँ जो वो फिक्स कराने, क्योंकि यार हम नया बाइक लेते हैं, उसको एक छोटी प्रॉब्लम के कारण आपको बहुत ही बॉदर करता है। और मेरे को सीरियसली ऐसा बाइक रखना नहीं, रखने का कोई मतलब क्या होता है, मैं अपनी बाइक को ऐसे देख नहीं सकता ना रख सकता हूँ। तो थोड़ा सा भी जो इशू होता है मैं ट्राई करता हूँ जल्द से जल्दी उसको फिट कर दूँ या फिर उसका सोल्यूशन निकाल दूँ। तो फिलहाल अभी जा रहे हैं हम शोरूम में वो फिक्स करने, जैसे सर्विस एडवाइज़र ने बोला कि वो सर आप बाइक लेके आ जाओ, हम उसका ग्लू से लॉक कर देंगे। वो ग्लू क्या होता है क्या नहीं होता है मैं आपको वहाँ जाके बताता हूँ। फिलहाल वहाँ पे रिकॉर्डिंग करना अलाउ नहीं है, बट मैं ट्राई करूँगा जितना रिकॉर्ड होना। बट टू बी ऑनेस्ट, डोमिनर, अगर ये हर डोमिनर के साथ इशू है, यू रियली नीड टू लुक इनटू इट एंड मेक श्योर ऐसा प्रॉब्लम कोई नए यूज़र के साथ ना हो। जैसे मेरी बाइक भी नहीं है और नई बाइक में ये सब प्रॉब्लम वाइब्रेशन के कारण चीज़ें लूज़ हो जाना, इट्स नॉट ए गुड साइन फॉर ए कंपनी टू सेल देयर बाइक और एनीथिंग। सो अगर आप तब मैन्युफैक्चरिंग के समय ठीक करके दे सकते हो जो आपको कस्टमर को आगे चल के इशू ना हो, तो प्लीज़ डू दैट। फिलहाल अभी जाते हैं वो फिक्स कराते हैं और मैं ट्राई करूँगा रैपिंग की वीडियो इसमें ड्रॉप करने। टू बी ऑनेस्ट मैं सोच रहा हूँ इसी में ड्रॉप करने। कब होगा कैसे, मैं जैसे फ्री होगा रैपिंग ही कम्प्लीट कराना। अंकल भी थोड़े नॉट वेल हैं, मतलब ही इज़ नॉट कीपिंग वेल, तो उनके शॉप भी क्लोज है थोड़े दिनों के लिए, तो इसलिए मैं कंप्लीट वीडियो उसमें नहीं दे पाया। तो मैं ट्राई करूँगा इसमें दे दूँ। फिलहाल अभी हम चलते हैं वो स्क्रू टाइट कराते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ वो लॉकिंग कैसे लूज़ हुआ है, कितना शेकी हुआ है। और फिलहाल मेरे को जो है थोड़ा एक्सक्यूज़ करना, आज जैसे मैंने बोला मेरे को अल्सर्स हुआ है, मैं थोड़ा इतना क्लियर में बात नहीं कर पाऊँगा, थोड़ा ब्लफिंग लगेगा, बट आई ट्राई टू मैनेज इट। और फिलहाल अभी हम निकलते हैं, मैंने अभी शावर कुछ नहीं लिया, ब्रेकफास्ट लंच सब हो चुका है, अभी हम निकल रहे हैं, जाएंगे फिट कराएंगे, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, मैं आपको आगे की वीडियो में बताता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जो ये लॉक है जो मैं जिसका बात कर रहा था जो लूज होते जाता है वाइब्रेशन के कारण, अभी फिलहाल हम जाते हैं उसको जो गम उन्होंने बोला है वो डाल के टाइट करेंगे, तो ये पूरा स्टेयरिंग खुलेगा, मतलब आगे का हैंडल खुलेगा तभी जाके टाइट होने वाला। पता नहीं कैसे करेंगे क्या नहीं करेंगे, मैं जो भी काम कराऊंगा अपने आंखों के सामने कराऊंगा, क्योंकि ये नई बाइक है, मैं नहीं चाहता हूँ कोई इशू आए आगे चल के। फिलहाल जो भी है, तो ये जो पार्ट है ये अब टाइट होने वाला है, ये वाइब्रेशन के कारण लूज़ हो जाता है। अगर आप लोग भी कहा हो रहा है तो
टेंशन लेने की थोड़ी सी बात है, क्योंकि हम इतनी पैसा इन्वेस्ट करके और ये सब इशू आ रहा है बाइक में, तो इट्स रियली डिसअपॉइंटिंग। बट नॉट टू वरी, इट कैन बी फिक्स्ड। बट आपको जाना है शोरूम में और ये टाइट करा लेना है। वो गम जो भी है मैं आपको दिखाता हूँ आगे के ब्लॉग में। फिलहाल अब हम चलते हैं। ये बात टाइम हो रहा है ये 4:42 और ऑलमोस्ट हमारी बाइक चल चुकी है। ओह नॉट बैड, सॉरी 1732 किलोमीटर। तो फिलहाल अब निकलते हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हे गाइस, सॉरी ऑल, आई एम बैक टू माय चैनल ऑफ इकेवेलनाक। तो फिलहाल बहुत टाइम हो गया मैंने वीडियो रिकॉर्ड किए, और ये वीडियो इसी वीडियो के साथ कंटिन्यू होता है, क्योंकि उस समय मेरे साथ कुछ इश्यूज हो चुके थे जो मैंने फेस किया, और मैं नॉट वेल भी था उस समय थोड़ा। तो मेरे पहली इशू थी जिस दिन मैं गया था अपना बाइक का लॉकिंग सिस्टम टाइट कराने, जो स्क्रू लूज हो रहे थे वाइब्रेशन के कारण, उस दिन मेरी फ़ोन ख़राब हो गई। कुछ हार्डवेयर इशू या सॉफ्टवेयर इशू आ गए थे फ़ोन में। फिलहाल मेरी फ़ोन अभी स्क्रैप हो चुका है, मतलब कोई किसी काम के लायक नहीं रहा वो। मतलब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है हार्डवेयर में वो मेरे को लिटरली आइडिया नहीं है, लेकिन काम नहीं कर रहा है उस दिन के बाद से। फिर उसके एक दो दिन के बाद मेरे को फीवर आ गया, बॉडी पेन आने लग गए, और आई वॉज एट रेस्ट। मैं रिकवर होने का जितना जल्दी ट्राई हुआ मैंने अपने प्लेन से किया, और रिकवर होके मैं कैमरा ऑलमोस्ट दो तीन हफ्ते के बाद कैमरा उठा रहा हूँ कि ये वीडियो कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि आप लोग का कमेंट भी आया कि रैपिंग की वीडियो कब आने वाली है, Part 2, बाइक फुल रैप कब होगी, कब वीडियो आएगा। तो ये रहा वीडियो गाइस, इसी वीडियो में आपको रैपिंग की वीडियो मिलेगी, हर वीडियो रहेगा उस क्या क्या कर रहा, मतलब क्या क्या हो रहा है बाइक के साथ, क्या हुआ है उससे पहले भी, वो सब अपडेट इसी वीडियो में मिलेगा। तो मेक श्योर वो आप ये वीडियो पूरा देखें एंड तक, और तो इसके बाद आपको कोई डाउट ना हो या फिर क्वेश्चंस ना हो, अगर क्वेश्चन हो तो कमेंट इन माय कमेंट सेशन बिलो। हाँ गाइस, उस दिन लॉकिंग ठीक कराने के बाद मेरे को उसके बाद कोई इशू आया नहीं है। अगर आप लोग भी अपने बाइक के साथ ऐसा कुछ इशू फेस कर रहे हैं, जब बाइक रन होता है वाइब्रेशन होने के कारण उसके लॉक के स्क्रूज लूज हो जाते हैं, तो आप अपने नियरेस्ट शोरूम में जाके वो कोई गम डालेंगे उससे, फिर वो स्क्रू टाइट कर देंगे, तो उसके बाद आप वो इशू फेस नहीं करेंगे। मैं उस समय रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका था, ऑलमोस्ट ख़राब हो रहा था, कैमरा हैंग होने लग गए थे। फिर एंड ऑफ द डे जब तक मैं घर आया फ़ोन कम्प्लीटली डेड हो चुका था, तो इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बट अगर आप ऐसे कोई इशू से जा रहे हैं अपने नियरेस्ट सर्विस सेंटर में कॉन्टैक्ट कीजिए, और ये इशू रिजॉल्व करा सकते हैं। अब कोई इशू नहीं है, बड़ी इशू नहीं है, लेकिन छोटी इशू है। बट अगर आप इसे निगलेक्ट करेंगे तो फ्यूचर में बड़ी इशू बन सकती है। तो अभी जब भी आप ऐसा देखें नई बाइक लेने के बाद, या फिर आपके बाइक के साथ कोई भी छोटा सा इशू है, उसको बड़ा होने से पहले ही आप जाके रिजॉल्व करा लें तो बेस्ट रहता है। तो और ऐसा नई बाइक के साथ इशू नहीं आना चाहिए, मैंने ऐसे बोला है उन लोग को, पता नहीं उन लोग ने अपना, आपको पता है कोई भी अपना कंपनी नाम खराब करना नहीं चाहता है, या फिर अपने ब्रांड को डिग्रेड होते हुए नहीं देख सकता है। तो ऐसा कुछ था, बट बजाज यू रियली नीड टू वर्क ऑन दिस। अगर कोई बजाज ऑथराइजेशन में तक ये वीडियो पहुंच रहा है तो बजाज यू रियली नीड टू वर्क ऑन ऑल दिस। अगर कस्टमर लेके अपनी बाइक ऐसा कोई इशू फेस कर रहा है, वो भी ब्रांड न्यू बाइक, और ऐसा कुछ इशू फेस कर रहा है, इट्स रियली नॉट ए गुड इम्प्रेशन यू आर क्रिएटिंग ऑन कस्टमर, टू बी ऑनेस्ट। फिलहाल अभी वो रिजॉल्व करती हैं, रिजॉल्व करने की बड़ी बात, रिजॉल्व कर दिए हैं, वो एक सेकेंडरी पार्ट है, बट बजाज यू रियली नीड टू लुक इनटू इट। अब आते हैं रैपिंग के वीडियो पे। रैपिंग की वीडियो इसी ब्लॉग में आ रही है, अभी शाम का कुछ 7:30 हो रहा है, अभी हम निकल रहे हैं रैप कराते हैं। अंकल शॉप पे अवेलेबल हैं, वो भी थोड़े आउट ऑफ टाउन हो गए थे, नॉट वेल थे वो भी, मतलब उनको ही फीवर आ चुका था, फिर वो अपने नेटिव चले गए, तो फिलहाल वो आज वो वापस आ चुके हैं। तो फिलहाल हम जाते हैं बाइक रैप कराते हैं कम्प्लीट ब्रांड। और रियली गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर शोइंग ऑल योर लव सपोर्ट टू माय यूट्यूब चैनल एंड टू द वीडियो एंड टू माय बाइक। टू बी ऑनेस्ट, जो कमेंट आए थे वीडियो कब आ रहे हैं भाई, आप बाइक फुल ब्लैक चैनल हमारी सपोर्ट है, दैट रियली मेंट अ लॉट। तो आपके सपोर्ट के कारण, आपके ब्लेसिंग के कारण आई एम टोटली फाइन नाउ, नॉट कम्प्लीटली बट ऑलमोस्ट। तो फिलहाल अभी हम निकलते हैं रैप कराते हैं, और आगे की वीडियो में आगे चलते हुए बहुत चीज़ें बात करते हैं।
फिलहाल अभी निकलते हैं, लेट हो रहे हैं, रैप करा के आपको डायरेक्ट रैप के शॉप में मिलते हैं, रैप करा के नहीं, रैप करते हुए आपको दिखाते हैं। सो लेट्स गो। सो गाइस ये है गाड़ी की कुछ हालत, फिलहाल अभी पार्ट्स ओपन हुए हैं, आधी रैपिंग लग चुकी है, मतलब ये रही जैसा दिख रही है, ये पार्ट एक ओपन हुआ है। सबसे चैलेंजिंग पार्ट ये था कि ये वाइज यहाँ से साइड कवर खोल के फिर ये पार्ट खुलने से रहा, पता नहीं बहुत ही टफ था ओपनिंग के लिए, बट बिना ओपन के ऊपर ऊपर से कर रहा, तो फिलहाल अभी कुछ ऐसी है स्टेटस। अब हमारे अंकल कर रहे हैं और रैपिंग की है वहाँ पर, अजीब नहीं दिखेगा ना अंकल, मेरी हल्की सी झलक गाड़ी के पास देख रहा हूँ गाड़ी। फाइनली वेट ख़त्म हुआ और ये रही फुल बाइक रैप होते हुए, तो स्टिल स्टे ट्यून्ड टू सी दी कंप्लीट वीडियो ऑफ रैपिंग। तो ये रही बाइक फुल ब्लैक होते हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और आप भी होंगे एक्साइटेड, जो मैंने देखा था कमेंट में लोग पूछ रहे थे, सब्सक्राइबर्स पूछ रहे थे कब आएगी, तो ये रही आपके लिए वीडियो रेडी हो रहा है, मतलब बाइक रेडी हो रही है फुल ब्लैक में और इसका लुक जो आएगा ना। सो गाइस ये रही पूरी बाइक ब्लैक हुई है जैसा आपको दिख रही है और कल भी थोड़ा टचअप बाकी है, मतलब फिनिशिंग करना है और बॉर्डर उसके थोड़े फिनिशिंग टचअप देना है, वो कल होगा और प्लस साइड वेंडर वो भी कल हो जाएगा। तो फिलहाल बाइक की लुक कसम से जो भी बोलो ना, मेरा दिल आ चुका है मेरी बाइक पे, बहुत ही बेहतरीन दिख रही है और ये वर्ल्ड की फर्स्ट बाइक डोमिनर 250 रैप हुए हुए फुल ब्लैक। इसका कलर मिलना, रैप का कलर मिलना बहुत ही मुश्किल था, जैसे कि आपने देखा हो नहीं अगर अगर इससे पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखा, सो डू गो एंड वॉच दैट वीडियो, मैंने कलर कहाँ ढूंढा, किस शॉप से कराया, ये वीडियो में मैं आपको कल भी मेंशन कर दूंगा कहाँ से करा रहा हूँ, अगर ये कोई नए यूज़र देख रहे हैं कि उनको भी आइडिया हो जाए मैंने अपनी बाइक कहाँ से रैप कराई है और आप भी अपना बाइक जाके रैप करा सकते हो। आपको मैं डिटेलिंग दिखाता हूँ, कलर डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये भी काइंड ऑफ ये भी ग्लॉस ब्लैक है और ये भी ग्लॉस ब्लैक है, बस डिफरेंस ये है कि ये पेंटेड है और ये रैप है, तो ऑब्वियसली थोड़ा तो फ़र्क रहेगा ही ना यार। तो यही जैसे आप देख सकते हो डिटेलिंग कैसा है और कल फिनिशिंग टच हो जाएगा तो गाड़ी और बेहतरीन दिखेगी। तो फिलहाल ऐसा कुछ लुक आ रहा है बाइक का। होप यू लाइक दिस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड।
सब ब्लैक हो चुका है जैसे कि आपको दिख रही है बाइक। और टू बी ऑनेस्ट बाइक बहुत ही सेक्सी दिख रही है इत फुल ब्लैक में। और जैसे कि आप दिखा सकते हो ये रही बाइक, और जो भी पार्ट देख रहे हो ये पूरा ब्लैक हो चुका है ऑलमोस्ट, बट थोड़ा सा आज भी काम बाकी रह गया। जैसे बोलते हैं ना, जाते तो पूरा काम कंप्लीट नहीं हो पाता है, फिलहाल ये पूरा ब्लैक हो चुका है। बट ये थोड़ा ये साइड का फेंडर बाकी है अभी करना, क्योंकि यार मैं थोड़ा लेट हो रहा था और मेरे को थोड़े कुछ इम्पॉर्टेंट काम थी जिसके कारण मेरे को घर वापस जल्दी आना पड़ा, नहीं तो ये काम आज ही ख़त्म हो जाता। फिलहाल टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि कल हमने अंकल से कल का भी टाइम ले लिया है और वो कल पूरी बाइक और अभी जो माइनर मतलब जो फिनिशिंग टच देना है वो भी कल होगा। जैसे कि आप देख सकते हो अभी फिनिशिंग नहीं हुई है, ऑलमोस्ट रैपिंग सब हो चुका है, बट फिनिशिंग जो देना है एडजस्ट पे फिनिशिंग टच, और वो कल होगा पूरा। और प्लस जो ये फेंडर बाकी है वो भी कल पूरा ब्लैक हो जाएगा। और लेकिन फ़िलहाल बाइक की लुक बहुत ही बेहतरीन आ रही है जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसका यही है जो भी था, और ये रही मेरी बाइक फुल ब्लैक जैसे आप चाहते थे और जैसे मैंने कमिटमेंट दी थी मैं पूरी बाइक ब्लैक करूँगा। देर था वीडियो का लेकिन वीडियो फाइनली आउट है, और ये रही मेरी डोमिना 250 विथ वर्ल्ड फर्स्ट फुल ब्लैक एडिशन रैपिंग, वर्ल्ड फर्स्ट रैपिंग विथ फुल ब्लैक लुक। तो रात के 3:57 हो रहे हैं और जो भी है, और कल ये पूरी बाइक फिनिशिंग से लेके और उस तरफ का फेंडर लेके सब रैप हो जाएगा। तो सीधा मैं मिलता हूँ आपके कल के ब्लॉग में, एंड ये थी मेरी बाइक की फाइनली फुल ब्लैक हुए रैपिंग। ये जो डैमेज आए थे जब मेरी एक्सीडेंट हुई थी पहली बार, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे डैमेज हुआ है, ये हेडलाइट डूम पूरा वो चला गया है, अब इसको रिप्लेस ही कराना ही है उनका। अब ये रहा डैमेज, ये पार्ट और ये पार्ट यहाँ पे डैमेज हुआ, और ये साइड में इसका फेंडर जो भी है ये पूरा डैमेज हो गया। जैसे आप देख रहे हो फेंडर टूट गया है यहाँ से। टू बी ऑनेस्ट बाइक ने मेरी ज़िंदगी बचा ली थी, मतलब इट्स सेव माई लाइफ टू बी ऑनेस्ट। और जो भी मैं आज व्लॉग कर पा रहा हूँ ये बाइकी के कारण, एंड आई रियली थैंकफुल।